तो भाई कोई बोल रहा है कि NS-400 की जो फोटोज लीक हुई थी ये जो है फेक है, ये तो NS-200 ही है, या फिर कोई बोल रहा है कि ये तो NS-200 का ही नया मॉडल है, या फिर कोई बोल रहा है कि भाई ये एडिटेड फोटोज है। लेकिन कुछ फोटोज और लेके आया हूँ आज, और उसमें जो ना क्लियरली आपको दिखाता हूँ कि NS-200 है या फिर NS-400 है। बट उससे पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगा, ये जो फ्रंट लुक है ना, इसमें आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो NS-200 का और N250 का, क्योंकि हेडलाइट जो है ना कोई बहुत ज़्यादा चेंज इन्होंने नहीं की। यहाँ पे जो है DRLs NS-200 से लिए, उसके बाद प्रोजेक्टर जो है N सीरीज से उठा लिया, तो जो फ्रंट लुक है ना वो अच्छा खासा इन्होंने बना दिया है इस कम्बिनेशन के बाद। जो DRLs है ना वो अभी ऑफ है, लेकिन यदि मैं बोलूँ कि इसको मैं ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलो अभी जो है ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, अभी जो ना DRLs इसकी ऑन हो चुकी है और काफ़ी ब्राइट है ये, तो दिन में जो ना रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया आएगी। जब रोड पर आप लेके चलोगे तो ये अलग ही हाईलाइट होने वाली कि हाँ यार ये कुछ भयंकर ही चीज़ आ रही है, तो वो वाला सीन है। तो फ्रंट से जो है ना इन्होंने डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया बना दिया, नो डाउट कोई भी जो है इशू मेरे को नहीं लगा कि फ्रंट में कोई हो। तो फ्रंट में जो है ना बढ़िया अच्छा खासा डिज़ाइन इन्होंने दिया है। लेकिन जब बात आती है ना साइड प्रोफाइल की, तो ऐसा लगता है कि यार साइड में तो पूरी NS-200 ही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ऐसा जो है फोटोज़ बोल रही हैं। मतलब फोटोज़ जो अपन देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जब अपन इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो क्या तब भी ऐसी लगेगी? तो मैं बोलूँगा भाई नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में और जो है भाई ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब आप किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में देखोगे तो आपको जो है काफ़ी वो डिफरेंट लगेगी। तो यहाँ पे जो मस्कुलरिटी है ना वो फोटोज़ में फील नहीं होगी, वो जब अपन रियल लाइफ में देखेंगे ना तब पता लगा सकते हैं कि हाँ यार ये जो बाइक है कितनी अलग है। तो वो जो ना अपन 3 तारीख को देखने वाले, भाई 3 तारीख को इसका लॉन्च है, तो वहाँ पे अपन इसको देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है, तो वो वीडियोस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक साइड प्रोफाइल की वीडियो आप देख लो, मतलब फोटो आप देख लो। तो यहाँ पे जो है ना साइड प्रोफाइल से कोई बोल रहा है कि भाई ये तो LS-135 जो आती थी पहले वो बना दी इन्होंने, तो भाई हाँ थोड़े से जो काउल्स है साइड में लाइक टैंक के वो कुछ हद तक वैसे लग रहे हैं। उसके बाद में UST सस्पेंशन उसी सेम कलर में जिसमें अभी N160 में जो आया था ना, सेम कुछ वैसे ही यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ओवरऑल जो फ्रंट के बाद आप पूरा देखोगे ना बाइक को, तो आपको NS-200 जैसी ही लगेगी, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। बट फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो नई NS-200, तो नई NS-200 कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई रिसेंटली वो लॉन्च हुई थी एंड उसमें जो उन्होंने मीटर वगैरह, UST सस्पेंशन वगैरह, ड्यूल चेन लेवल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ जो है ना उसके अंदर ऐड कर दी थी। तो अभी जो है ना कोई सेंस नहीं बनता कि ये लोग जो है NS-200 को अपडेट करेंगे। बट एक छोटा सा ये सजेशन था कि काश ये जो हेडलाइट है ना ये नई NS-200 में डाल देते, और नई जो NS-400 आ रही है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिएटिव करते, लाइक उसमें ना थोड़ा और दिमाग लगाते तो वो और बेटर बन सकती थी। बट अभी जब सीट देख लो, सीट पूरी NS-200 वाली है, साइड पैनल्स 200 वाले हैं, सब कुछ 200 गए, और तो और जो चेसी है ना वो भी कुछ उसी हद तक का दिख रहा है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो है ना एक फोटो से आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि फोटो जो है ना एक लिमिटेड चीज़ें आपको दिखा सकती है। जब रियल लाइफ में अपन देखेंगे तो उसके लिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 3 तारीख को जो है मैं इसको देखने जा रहा हूँ, मतलब जो इसको अपन कवर करने जा रहे हैं, 4 को आई थिंक राइड अपन इसको करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको 11 तारीख को राइड देखने मिलेगी एंड 3 तारीख को जो इसका पूरा डिटेल्ड वॉक राउंड, तो उसके लिए आप लोग वेट करना। बाकी यार इसकी प्राइस वगैरह कोई एक्सपेक्टेड आइडिया मैं नहीं दे सकता रहा हूँ, 3 लाख के आसपास ही शायद जाए। तो चलिए यार ये तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।